हेलो गाइस, मैं अनुराग झा, नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th हिस्ट्री के 9वें चैप्टर शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियों से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और हम लोगों ने जैसा कि 2 दिनों में हिस्ट्री पूरे ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बातें नहीं, सिर्फ काम की बातें। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है, 1526 ईस्वी में। तो इसी में जो है आपका बाबर जो है भारत में अपना राज शुरू किए थे, अपना राज की स्थापना किए थे, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? ठीक है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के शासनकाल में मारे गए थे? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो यूसुफ जइयों के विद्रोह को जो है दबाते समय जो है मारे गए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ठीक है, तो यहाँ जो है बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा की किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, जितने भी मुगल काल में जितने भी राजा थे उसके बारे में जितने भी जिन्होंने उनकी जीवनी लिखा है, वो चीज़ सारा आप लोग एक बार देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? और दोस्तों, अगर ये याद हो, ठीक है, कि किस राजा का जीवनी जो है किसने लिखा था, तो आप वीडियो पॉज करो, जाओ और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख लेते हो वो चीज़ आप फिर कभी नहीं भूलते। तो एक बार जो है निश्चित तौर से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो युवा अवस्था में जब थे तो बैरम खान जो है कुछ दिनों के लिए इनके बॉडीगार्ड रहे थे, ठीक है, तो वही संरक्षक, संरक्षक का अर्थ क्या होता है? बॉडीगार्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो है महेश दास, ठीक है, महेश दास को जो है बीरबल नाम दिया था कि उन्होंने, अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो बैरम खां का जो पतन है वो 1560 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ठीक है, तो जिंदा पीर जो है आपका औरंगजेब को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजयन अभियान अभियान था कौन था? आसिरगढ़ विजय, ठीक है, अंतिम जो युद्ध था जिसमें विजय प्राप्त हुआ था, आसिरगढ़ युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? ठीक है, तो शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि किसको दिया था? दारा शिकोह को, ठीक है, दारा शिकोह को। आपके लिए ये 4 स्टार क्वेश्चन है, इसको निश्चित तौर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माफ कीजिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो हुमायूं की जो है दीन पनाह पुस्तक से जो की सीढ़ी थी उससे हुमायूं गिर गए थे और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो है कौन राजा बने थे? तो अकबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? मक्का द्वार, ठीक है, मक्का द्वार किसको कहा जाता था? तो यहाँ पे जो सूरत को जो है मक्का द्वार कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि देखिए अब ज़्यादातर कंपनियाँ भी सूरत में, हर कोई जो भी भारत में बिजनेस करने आए वो सिर्फ सूरत में ही कंपनी लगाने की बात किए रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो आपको पता होगा शेर शाह सूरी ने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीटी रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कालानौर में हुआ था, ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी? तो अब देखिए, पहला पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अब दूसरा युद्ध जो है आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था, पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है। यहाँ पे डेट आप निश्चित तौर से याद रखिए और किसके किसके बीच लड़ा गया था ये याद बिल्कुल रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है, तो चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? तो ये जो है आपका जागीरदारी प्रथा औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था। दोस्तों इतने लेट से रात में जग आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो 1 लाइक का तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, तो प्लीज़ 1 लाइक करते चलो, क्योंकि अपने लिए यही मोटिवेशन होता है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अभी जो है थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की, क्योंकि जो है अभी चैनल थोड़ा सा नया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, मुगलों ने नरोज का त्यौहार लिया था, ठीक है, नरोज का त्यौहार किसने लिया था? पारसियों से, ठीक है। मुगलों ने नरोज का त्यौहार किन से सीखा था, अपनाया था? तो पारसियों से। चलिए नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, तो पंचमहल जो उन्होंने बनाया था वो थोड़ा सा जो बौद्ध विहार से मैच करता है, ठीक है। बौद्ध विहार जहाँ पे बौद्ध के लोग रहते थे उसको बौद्ध विहार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? ठीक है, तो शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग किसने कहा था? तो ये जो एन के श्रीवास्तव एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने कहा कि शाहजहाँ का जो है शासनकाल सबसे बेहतर है, पर अधिकांशतः इतिहासकारों का मानना है कि अकबर का शासनकाल जो है सबसे बेहतरीन था, इसलिए उन्हें अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, अकबर महान। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष होता था, ठीक है, तो केंद्रीय सरकार का समस्त विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? वकील, ठीक है, वकील वकील होता था। इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका वकील, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो ये जो है माफ़ कीजिए, अर्जुन देव, ठीक है, जिसके कारण इनको फांसी भी हुई थी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, अकाल तख्त की स्थापना का श्रेय किस गुरु को है? ठीक है, तो अकाल तख्त की स्थापना का जो श्रेय है वो आपका गुरु हरगोविंद सिंह को है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, तैयारी कीजिए जम के।